हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवरी मंच। मैं हूं सरिता और आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूं बहुत ही टेस्टी और यम्मी डबल बी की सब्जी। तो अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ये सब्जी आप अपने घर पे जरूर बना के एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए फिर हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जाए। तो फिर चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए लहसुन और अदरक ऐड कर दिया है मैंने, साथ ही इसके अंदर 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है मैंने, साथ ही 4 से 5 काली मिरी, उसके बाद 1/2 चम्मच जीरा, उसके बाद 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी वाली इलायची ऐड कर दिया है मैंने, साथ ही होममेड गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, 1 कटा हुआ प्याज और साथ ही 1 कटा हुआ टमाटर। अभी इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अभी इसे पीस लेते हैं। तो मसाला जो है मैंने पीस के तैयार कर लिया है। तो चलिए अभी फटाफट से हम सब्जी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये डबल बी ले लिया है मैंने, तो इसे मैंने रात भर के लिए क्या किया है, पानी में अच्छे से फूलने के लिए रख दिया था और सुबह पूरा पानी इसका निचोड़ दिया है और कुकर में डाल के 2 सीटी दिला दिया है। 1 आलू भी उबाल लिया है मैंने साथ में और अभी चल के बना लेते हैं। तो कढ़ाई जो है अभी गर्म कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई गर्म करने के बाद इसके अंदर तेल ऐड कर रही हूँ मैं, तो तेल जो है मैं 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो आप जो भी तेल खाते होंगे उस तेल में बना सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है मैंने और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 तेज़पत्ता। दोनों को अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा सा बारीक काट ले और उसमें ऐड करें। अब 2 की जगह 3 प्याज भी डाल सकते हैं, ज़्यादा प्याज रहेगा तो भी टेस्ट अच्छा बनेगा। साथ ही इसे अच्छे से हम भूनेंगे और हल्का सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ का काट लिया था। अब टमाटर काट के नहीं डालना चाहते हैं तो टमाटर को ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे मैंने 1/2 ग्राइंड किया है और 1/2 काट के डाला है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दी हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं लो फ्लेम पर। 3 मिनट मैंने रखा था और अभी इसे निकाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। पूरा टमाटर जो है अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें ग्राइंड किया हुआ पूरा मसाला ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद अभी इसे अच्छे से हम भून लेंगे। मसाला को तब तक भूनें जब तक मसाला अपना तेल ना छोड़ दे, तब तक इसे अच्छे से भूनें और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो समझ लीजिए भून के हो गया है। तो ये देखिए मसाला लगभग भून के तैयार हो चुका है। तो अभी इसके अंदर हम डाल देंगे बी। तो इसके अंदर मैंने 1 आलू भी मिसल के डाल दिया है। आलू ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। आलू डालने से सब्जी में गाढ़ापन अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर, कलर के लिए होता है, इसमें तीखापन नहीं होता, तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छे से भूनने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ मैं। तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद इसे खुशबू आने तक अच्छे से भूनें। साथ ही इसमें 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं मटन मसाला। ये मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये सब्जी का जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और बहुत ही यम्मी लगने वाला है आपको सब्ज़ी। तो एक बार मटन मसाला डाल के ये सब्ज़ी बनाइए और फिर खाइए। मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से खुशबू आने तक भून लीजिए मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद पानी डालिए। तो पानी मैं इसमें 2 ग्लास ऐड कर दूंगी, आपको जितना रस चाहिए उस हिसाब से डालें। 2 से 2.5 ग्लास पानी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाद में उबलने के बाद ये सब्जी जो है गाढ़ा हो जाता है। तो पूरा बनने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
पानी ऐड करने के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे उबलने देना है। तो अभी इसे एक बार और मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद ढक देंगे, उसके बाद फिर ये सब्ज़ी रेडी होगा। तो ये देखिए अभी गाढ़ा होने लगा है सब्ज़ी, तो थोड़ा सा और उबालेंगे इसे। तो अभी इसे ढक देती हूँ। अभी जो है सब्जी लगभग तैयार हो गया है। सब्जी का गाढ़ापन देखिए, और ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे एकदम मीडियम थिकनेस में बनाना होता है, तो ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पतला ना करें इस सब्जी को, अगर अच्छा स्वाद चाहिए तो थोड़ा सा थिक रखें। अभी सब्जी तैयार हो चुका है, तो फटाफट से इसे निकालते हैं। ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो अभी गर्मा गर्म सब्जी निकालिए और इसे जीरा राइस, रोटी या पराठा के साथ एंजॉय कीजिए, और कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये लीजिए गाइस, डबल बी की सब्जी बनके तैयार है। तो आप लोग भी देर न करें, आप लोग भी अपने घर पे टेस्टी और यम्मी सब्जी बनाए खाए, और कमेंट करके भी बताए कि आप लोगों को ये सब्जी कैसा लगा। और अगर आप लोगों को ये सब्जी पसंद आ गया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।